अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं सदर में। आज हम आपको विजिट करवाएंगे एम्प्रेस मार्केट, जो कि अंग्रेजों के दौर की मार्केट है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। सदर की एम्प्रेस मार्केट में हम मौजूद हैं। एम्प्रेस मार्केट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलते हैं आगे एम्प्रेस मार्केट की तरफ, अंदर देखते हैं। काफ़ी पुरानी इमारत है ये, अंग्रेज़ों के दौर की इमारत है। इस पे देखें अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। शुरू में ही आपको ये तेल वेल मिल रहा है, खालिस तेल आपको निकाल के देते हैं। अचार की दुकानें भी हैं यहाँ पे भाई, अचार भी मुख्तलिफ़ किस्म का देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखो चावल वावल हर चीज़ आपको एम्प्रेस मार्केट में देखने को मिल रही है। चूहे मारने की दवाएं भी हैं यहाँ पे। चलते हैं अंदर देखते हैं और क्या है। टंगियाँ, इधर ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी है। चलो इधर अंदर चल के देखते हैं और क्या है। मूंगफलियाँ वगैरह यहाँ पे आपको मिल रही है। गुड़ गुड़ सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिल रहे हैं, खजूर भी मिल रही है। खजूर क्या है साहब? 560, 600, 640। ये 560 की है। कौन सी है ये खजूर? ये पंचगूर की है। पंचगूर की है, 560 रुपए किलो है। और सबसे अच्छी कौन सी है? ये ले लो 600 वाली। ये जनाब 600 रुपए की है खजूर। कौन सी है ये सर? कौन सी वाली है? ये मदीरानी है, मुझे नहीं पता था किसी को। और ये वाली? ये 720। ये कौन सी है? ये रुबई है, रुबई ईरान की। ईरान की है रुबई। अच्छा, यहाँ पे और भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। अखरोट भी है इनके पास, हल्का अखरोट है। ये वाला थोड़ा हैवी है। मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं इनके पास। चने वाले, मूँगफली, गुड़ सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। छुआरा भी है। यहाँ से अभी हमने खजूर लेनी थी, खजूर लेते फिर आगे चलते हैं। गए भाई एम्प्रेस मार्केट के नज़ारे आप चेक करें। अंडे भी यहाँ पे मिल रहे हैं, पापड़ वापड़। ये देखो ये तेल यहाँ पे निकालते हैं। एम्प्रेस मार्केट अंदर से इस तरीके का दिखता है जैसा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो मैक्रोनी वगैरह, पास्ता, टांगिया चीज़ मिल रही है। फ्रेश सब्जियाँ भी आपको यहाँ पे मिलती है। नारियल भी मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है। अचार की दुकानें भी हैं। ये एम्प्रेस मार्केट भाई, अंदर से तेल भी देखो, रंग बिरंगी तेल। निम्को भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुख्तलिफ किस्म के। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे एम्प्रेस मार्केट के अंदर। बर्तनों की दुकानें भी एम्प्रेस मार्केट में। काफ़ी पुरानी जो है ना ये मार्केट है एम्प्रेस मार्केट। अंदर चलते हैं, गोश्त की मार्केट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। मुर्गियाँ वर्गियाँ सब मिल रही हैं यहाँ पे। अंग्रेज़ों के दौर में ये मार्केट बनी थी, और फेफड़े वेफड़े पाए जबाने भी मिल रही है। पाया क्या हिसाब है सर?
1200 रुपये का भैंस का पाया है, 1200 रुपये का जबाने भी बनी है, पाया 1200 रुपये। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पाया खाते हैं, ये छोटा पाया भी है। ये क्या हिसाब है पाया? और ये वाला किस चीज़ का है? गाय का, गाय का 300 रुपये का। कितने का? 300 का एक। ये पूरी गोश्त की मार्केट है एम्प्रेस मार्केट के अंदर, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इधर भी पाया 1200 रुपये का। तो ये एम्प्रेस मार्केट अंदर से इस तरीके का था जो मैंने आपको दिखाया। अभी चल रहे हैं हम बाहर, काफ़ी पुरानी मार्केट है अंग्रेज़ों के ज़माने की, और कुछ अर्सा पहले इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन की गई थी, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, पहले यहाँ पे सारे जो है ना तजावजात होते थे चारों तरफ, अब जो है वो तजावजात ख़त्म हो गए और यहाँ पे जो है ना इसको साफ़ सुथरा करके पार्क वगैरह इधर बनाया है, लेकिन बस ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह नहीं की जाती इस मार्केट की। तो जनाब, ये थी इम्प्रेस मार्केट की एक वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है। अंग्रेज़ों के दौर में बनी थी और अभी तक चल रही है, अभी भी इसके अंदर मार्केट है, हालांकि हेरिटेज है। अगर ये किसी गोरों के मुल्क में होती तो शायद इसमें जो है वो इसको हेरिटेज की तरह रखा जाता, और पाकिस्तान में इसलिए इसकी जो ना ये हालत है जो आप देख सकते हैं। कुछ अर्सा पहले इसको एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सही किया था, थोड़ा सा चूना वूना लगाया था, और अब जो है उसकी हालत दोबारा से वैसी हो गई है। तो एक छोटी सी वीडियो थी एम्प्रेस मार्केट की, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।